तो अपना ही ब्लॉग देख रहा था मैं। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मौज कर रहे होंगे। अपन अभी अच्छा नहीं है, दो चार दिन से अपन ऐसे बोर हो रहा था। एक तो बेड पे फ्लैट लेटे लेटे कमर में दर्द हो जाता है, कितना आराम करे यार। जो इंसान ऐसे अपने को घूमना मांगता और बेड कैसे सूट करेगा। तो गाइज अपन बेड पे लेटे लेटे बीमार बीमार सा फील कर रहा था, तो मैंने क्या सोचा कहीं जा नहीं सकते, थोड़ा सा रेस्ट है तो क्या हुआ सेटअप चेंज कर देते हैं। तो अपन ने बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करी है, ये अपने पे एक लाइट थी तो ये इसे मैंने पीछे लगा दिया यहाँ पे, ताकि थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा सा हो जाए। ऐसे मतलब कूल बैकग्राउंड कूल लगता है ना, तो अच्छा सा लगता है। ऐसा हमेशा अभी दीवार में ऐसे वीकनेस सी आ गई है, तो हाथ में ऐसे फोन पकड़ पकड़ दर्द होने लग रहा है। मतलब इतने सालों से खाते हुए आ रहे हैं और एक दिन में वीकनेस आ जाती है, दो दिन में ही पता नहीं। तो अपने वॉल में पेंट नहीं हो रखा तो अच्छा से नहीं लगता था बैकग्राउंड, या फिर अंधेरा आएगा या ऐसी रहेगा। तो मैंने सोचा इस ये है अपना व्हाइट बोर्ड, इसे मैंने लगा लिया बैक साइड में, पीछे है इसका व्हाइट बोर्ड, ये बैक साइड है। तो इससे थोड़ा ऐसे ग्रीन स्क्रीन सा लग रहा है, लेकिन है नहीं, ग्रीन स्क्रीन होता तो मजा आ जाता। तो अपन फिर थक गया, हाथ चेंज कर लिया, तो कैसा लगा आप कमेंट में बताना। यही है सस्ता जुगाड़, जो मिले जुगाड़ करते रहो। और टेबल दिखा देता है मैं आपको क्या चेंजेस किए हैं। तो अपना ही ब्लॉग देख रहा था मैं, इसे बंद कर देते हैं, और ये रहा टेबल, इसे भी हटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं, मूंगफली खा के रखी है। तो पहले अपना टेबल इधर था तो इसकी जगह इधर था टेबल, तो इसकी जगह ये अलमारी सी, अलमीरा नहीं है क्या, स्टूल पे स्टूल क्या बोलते हैं इसे, लोहे का है ये जो भी है, तो इसे सेट कर दिया, इसमें बैग स्टैंड स्टैंड सब भर दिया, और ये लाइट इधर लगा दी मस्त, और ये आ गया अपना टेबल। अपने लैपटॉप में एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं चलता, बहुत हैंग करता है, बहुत ज़्यादा हैंग करता है, तो इसलिए मैं मोबाइल से ही करता हूँ। मोबाइल सही है, ट्रैवल करते हैं तो ईजी रहता है, कहीं जा रहे हो तो लैपटॉप कैरी करना अभी सही भी नहीं है, और लैपटॉप से काम भी नहीं होता तो लैपटॉप कैरी करके फ़ायदा क्या है। तो अपना होता है मोबाइल से ही, जो भी काम करता हूँ मोबाइल से ही करता हूँ, जो ब्लॉगिंग करना है, एडिटिंग करना, जो भी अपलोडिंग अपलोडिंग सब लैपटॉप है, लेकिन इससे कुछ हो नहीं पाता क्योंकि हैंग बहुत करता है, पता नहीं लोड नहीं ले पाता है, क्या दिक्कत है, आई थिंक रैम वैम कम है, तो इसका बाद में देखेंगे, कुछ जुगाड़ करते हैं इससे। अगर इससे होने लगेगा एडिटिंग तो अपने को काफ़ी फायदा हो जाएगा। फिलहाल अभी अपन दो चार घंटे रेस्ट ही करेगा घर पे, ये लंच खाता है, गोली खाता है, गोली ये वाली गोली नहीं, टैबलेट मेडिसिन खाता है, और फिर अपने को निकलना है, अपने को जाना है कार्ड्स लेने। तो कार्ड्स छपने को दिए थे, वो कार्ड्स लेके आने, छप चुके हैं, तो देखते हैं, अगर रेस्ट रहा फीलिंग बेटर तब जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। ये आ गया अपना लंच, मतलब इसी हाथ में था तो ये आ गया अपना लंच, छोले चावल, ये रखा है हल्दीराम की भुजिया छोले चावल के साथ, उसके ऊपर कोई सी नमकीन डाल के खाओ तो मजा आता है, मैं खाता है अभी, यही मिली मेरे को, वरना वो तीखी सी होती है ना जिसमें मूंगफली होती है नवरत्न टाइप की, वो डाल के खाओ, हाय हाय स्वाद आ जाता है। टाइम हो रहा है 4:30 और मैं कल सुबह से अब छत पे आया हूँ। अगले दिन क्या मस्त सुरीली सुरीली धूप निकली है, अभी मस्त दो चार मिनट ओए जाओ क्या बच गया, अभी गिलास गिर के टूटता तो नहीं स्टील का, लेकिन टन। तो खैर अभी अपने को निकलना है, निकलते हैं, अभी फिलहाल थोड़ा ठीक है। ये है गौरैया जो कि विलुप्त होती जा रही है, भाग गई, अब बहुत कम देखने को मिलती है ये गौरैया, छोटी छोटी होती है चिड़िया, मस्त सुबह टी 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 ची 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 करती है, तो बड़ा मज़ा आता है। और अपने लोग यहाँ उनके लिए दाना डाल देता है तो वो आती हैं, खा पी के निकल लेती है, तो जैसे ही मैंने कैमरा लेके भग गई सारी उड़ गई। तो गाइस कैसे भी अपने को अभी निकलना है,
बेटर फील नहीं कर रहा, लेकिन जो ये काम है बहुत इम्पोर्टेंट है, कार्ड्स लेके आने वरना डिले हो जाएगा हर काम, तो चलते हैं। आज कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है तो अपन किसी स्पीड से जा रहा है, आज अपन इसी स्पीड से जाएगा, अपने को 15 किलोमीटर जाना है, देखते हैं कितने देर में पहुंचते हैं इस स्पीड से। अभी मैं आधा ही पहुंचा हूं और आधे घंटे हो गए मेरे से निकले हुए, रात होने वाली है तो इस स्पीड से तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। इस स्पीड से देखता हूँ और कितना टाइम लगता है, मतलब आधा घंटा और मान लो। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, अपने को पीछे दुकान में काम है, फटाफट लेते हैं फिर निकलना भी अंधेरा होगा। ये आ गया अपना बंडल, इसे रख देते हैं। ठंड बहुत है, फटाफट निकलते हैं, अंधेरा भी हो गया। इसी स्पीड से जाएंगे तो अपने को उतना ही टाइम लगेगा, 1.5 घंटा। जितना टाइम अपने को यहाँ से वहां जाने में लगा था 1.5 घंटा, उससे ज्यादा टाइम अपने को वहां से ही यहाँ आने में लग गया। अभी 9 बज रहे हैं और क्योंकि अपन को लग रही थी थोड़ी थोड़ी ठंड, तो अपन 10-20 की स्पीड से जा रहा था, ज्यादा तेज नहीं जा रहा था। तो आपको थोड़े दिन में पता ही चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अपना काम हो चुका है और अभी अपन को डिनर करना है और फिर गोली खानी है, गोली, और फिर मस्त सोएंगे, रेस्ट मारेंगे ताकि जल्दी से रिकवर हो जाए, क्योंकि अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं आगे के दिनों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाल बटन दबा के जरूर जाना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बूम।